15 दिन के बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप कुछ नहीं बोलोगे, मेरी जो दवा है ना वो आपके आपके माध्यम से वो बोलेगी। आयुर्वेद का काम करते मुझे लगभग 16.5-17 साल हो गए, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन लाखों की संख्या में लोग मेरे से ठीक हो गए। और ये दिखा दें अपने तस्वीरें भी किस प्रकार यहाँ लोग दूर दूर तक आ रहे हैं, जो लखवे की दवाई है तो वार्ड है दी जानना गरी है, इलाज के नाम के ऊपर केवल ठगी पल है। उनको आयुर्वेद में ही उनका ट्रीटमेंट संभव है 100%, बाकी कहीं नहीं। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में एक बार आप ना दिखा दे कि श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम पे हम पहुंच रहे हैं। अगर बात करें ताड़ा जो वैद्य है वो बड़ा फेमस हो रहा है, और फेमस क्यों हो रहा है आपने बता दे मैं कि आज एक बड़ी समस्या है, मतलब लकवा मार गया है, अधरंग मार गया है, मतलब पैरालाइज हो गया है। मतलब देखो शरीर का कौन सा भी अंग हो अगर काम करना बंद कर गया तो इंसान बेकार हो गया है, मतलब अपने आप ने लाचार महसूस कर रहा है, लाचार होए जा है महसूस के कर रहा है। तो आज उस वैद्य से मिल लेंगे कि उस वैद्य में मतलब ऐसी कौन सी दवाई देवे वो कि ठीक कर दे है, चाहे कोई कितना पुराना लखवा मारा हो। तो अंदर चाल कर बात करांगे भी किस प्रकार की दवाई देवे है, देसी दवाई देवे है, अंग्रेजी दवाई दे है, या किस प्रकार तक ठीक कर रहा है। तो रेवाड़ी में है आज हम, और आप देखने भी लाग रहे हो कि दूर दूर तक लोग आ भी रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, जो लेने वाले हैं दवाई लेने वाले हैं तो लोग आने लग रहे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। तो यहाँ पे पहुँच गए श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम पे। तो है श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम, और आपने दिखाओगे कि जो वैद्य हैं वो दवाई देने लग रहे हैं, जिसके दूर दूर तक ही चर्चे हो रहे हैं, तो जो दवाई दे हैं लखवे की। तो एक बार दिखा दें अपने तस्वीरें भी किस प्रकार यहाँ लोग दूर दूर तक आ रहे हैं, जो लखवे की दवाई है तो वार्ड है दी जानना गरी है। करेंगे जो वैद्य है जो दवाई देवे है लखवे की, तो उस तो बात करेंगे भी किस प्रकार की दवाई देवे है और लोग दूर दूर तक क्यों आने लग रहे हैं, इतने फेमस क्यों करो रहे हैं। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम बताओ सर आपका। आचार्य मनोदेव। आचार्य जी ये बताओ कि मतलब सुनया है कि आप लखवे की दवाई दोगे। जी बिल्कुल। क्योंकि देखो अगर हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा पैरालाइज हो गया है, मतलब लाचार हो गया है आदमी। देखो जो लकवा है ना, उसको कहें तो एक पूरे परिवार को ही तबाह कर देता है। जो लकवे में आ गया वो तो बेचारा परेशान है, पूरा परिवार। और इलाज के नाम के ऊपर केवल ठगी। और हमारे आयुर्वेद के अंदर और एलोपैथिक के अंदर एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि जैसे एलोपैथिक में अगर ट्रीटमेंट आप लेते हो पैरालाइज का, तो आप 30% अधिक 40% से ऊपर ठीक नहीं हो पाते हो, और वो भी महीने दो महीने के अंदर। उसके बाद वो पेशेंट दर दर की ठोकने खाता रहता है, घूमता फिरता रहता है, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन अगर वही पेशेंट स्टार्टिंग के अंदर अगर आयुर्वेद के अंदर अपना ट्रीटमेंट लेता है तो 90% तक उम्मीद है कि वो पूरी तरह से पहले जैसे ठीक हो सकते हैं। एक चांस भी वो नहीं कह सकते कि 1% भी कोई ऐसा चांस हो जाए कि वो रुक जाए। 90% लोग ठीक हो सकते हैं आयुर्वेद में, 100% तक। 10% लोग बचते हैं, वो इसलिए बचते हैं कि या तो उनको कोई दूसरा रोग ज़्यादा है, जैसे खास करके शुगर बहुत ज़्यादा किसी को रहता है, या हार्ट की कोई बारे समस्या है, या फिर 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो जिनको दवाई सूट नहीं कर पाती। बाकी 90% ठीक होना बहुत बड़ी बात है। और एलोपैथिक में तो आप देखते होगे 30-35% ज़्यादा आपकी किस्मत अच्छी है तो 40%, इससे ऊपर फिर होता ही नहीं ठीक। वैसे आचार्य जी एक बात बताओ कि जैसे लकवा मार जाता पहले तो कारण क्या होता सबसे बड़ा? देखो इसमें कारण बताऊँ तो 90% तो इसमें हाई बीपी का रोल होता है। जिसकी हाई बीपी हो जाती है उसकी वजह से 90% लोगों को तो इसी यही वजह होती है। 5% वजह होती है शुगर, शुगर बढ़ने से भी। और 5% में अगर लेके चलेंगे तो कई बार हमारे ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन जाता है, उसकी वजह से भी कोई ना एकदम दबाव खा जाती है। या फिर कई बार क्या होता है ऑपरेशन करते समय वो नस डैमेज हो जाती है और एक साइड चली जाती है। और 1% चांस होते हैं कोई एक्सीडेंट केस है, कोई चोट लग गई, या कई बार इन्फेक्शन हो गया, पानी भर गया, लेकिन ये बहुत कम केस होते हैं। 90% तो इसमें बीपी का रोल होता है, उसी की वजह होती है ज़्यादातर लोगों को। और आयुर्वेद में और एलोपैथिक मैंने जैसे बताया आपको कि ये फ़र्क है। एलोपैथिक आपको 30% पे 35% पे
ज़्यादा से ज़्यादा 40% पे ला करके रोक देगा 90% लोगों को। 10% किस्मत वाले होते हैं कि इससे अधिक उनको लाभ हो जाता है, वरना तो 90% लोग यहीं रुक जाते हैं, वो फिर कहीं घूम लो, 1% भी उनका फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप आयुर्वेद में स्टार्टिंग में आते हो तो आप चांस हैं कि आप 90 आयुर्वेद आपको 22 स्टेप रोकेगा नहीं आपके इम्प्रूवमेंट को, और ये तो आपका 2 से 3 महीने में रोक देगा, एक जगह खड़े हो जाओगे आप। लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा आयुर्वेद, लेकिन आपको मंजिल तक पहुँचाएगा धीरे 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 करके, रोकेगा नहीं ट्रीटमेंट आपका। फल है उनको आयुर्वेद में ही उनका ट्रीटमेंट संभव है 100%, बाकी कहीं नहीं। मैंने बताया ना आपको कि हमारे पास जैसे नए केस आते हैं ना, तो 90% लोग यहाँ से खुश होकर के जाते हैं, ठीक होकर के जाते हैं। लेकिन 5-10% ऐसे भी लोग होते हैं जो या तो परहेज तोड़ देते हैं, दवाई बीच में छोड़ देते हैं, या एक दो अदर मैंने बताया कोई दूसरी बीमारी से ग्रस्त हैं। एक दो परसेंट ऐसे पेशेंट हों जिनको दवाई सूट नहीं करती है, तो उनका अलग होता है, ठीक है। बाकी तो मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेद आपके लिए बेस्ट है, हाँ, तो आयुर्वेद में ही आप उम्मीद कर सकते हो किसी को। और जिसके और ये भी आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग ये बार बार फ़ोन करते हैं कि हमारे 3 साल का हो गया, हमारे 10 साल का हो गया, 7 साल का हो गया। मैं कहता हूँ आयुर्वेद के अंदर कभी भी ये चीज़ नहीं देखता आयुर्वेद कि आपको कितना पुराना है। आयुर्वेद में हम देखते हैं नाड़ी, लकवाग्रस्त पेशेंट होता है हम उसकी नाड़ी पकड़ते हैं, अगर नाड़ी में वाइब्रेशन है तो चाहे वो 10 साल पुराना हो, हमें उम्मीद 60-70% होती है इसको दवाई काम करेंगे। नाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है तो मैं कहूँगा 10-15-20% की उम्मीद होती है, अलग हो जाता है चाहे उसको हो 1 साल पुराना। अब मेरे पास एक पेशेंट आया फरीदाबाद से, वो पिछले 12 साल से ग्रस्त था लकवे से, और वो लगभग 30% के लगभग ठीक था। हमारे पास आया, नाड़ी दिखाई, नाड़ी उनकी मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी लग रहा है कुछ आपको कि हो सकता है कुछ। मैंने कहा कि आपका समय तो देखता हूँ, 12 साल हो गई तो लगता है दवाई आपको ना दूँ, और नाड़ी आपकी देखता हूँ तो लगता है मैं आपको दवाई दूँ। तो उन्होंने कहा जी एक बार दे के देख लो। मैंने उसको 15 दिन की दवा दी, आपको यकीन नहीं होगा 30% से उसको 65% तक ले आया हम, अभी उसकी दवाई चल रही है। 100% तो खैर वो नहीं पहुँचेगा, लेकिन वो इतना हो गया, इतना बता रहा था मुझे कि जी हम अब घरवालों के ऊपर आश्रित नहीं है, मतलब अपना नाना धोना खाना अपना काम अच्छे से कर लेते हैं, नहीं तो दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। तो इतना हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि देखो आयुर्वेद में ही एक उम्मीद होती है, एलोपैथिक तो आपकी 2 से 3 महीने होती है। अब कई पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा सा ये भी डाउट होगा जी हमने तो आयुर्वेद में अपना इलाज करवाया था लेकिन हम तो ठीक नहीं हुए। मैं यहाँ के आस पास के 500 किलोमीटर तक के सब वैद्यों की दवाई जानता हूँ कौन क्या देता है। आपको जान करके बड़ी ताज्जुब होगा कि लोग नाम तो आयुर्वेद का है, उनका बोर्ड तो आयुर्वेद का है, लेकिन 70-80% दवाइयाँ अंग्रेजी देते हैं। वो 2-4 पुड़ियाँ ऐसी दे देते हैं चूर्ण पूर्ण की, वो अपना बचाव करने के लिए कि मैं देसी दवाई का वैद्य हूँ, उसमें कुछ नहीं होता। और वो कह देते हैं पेशेंट को कि ये देसी दवाई ना ये मेन है। मैं उनको कहता हूँ ये मेन है तो ये 80% आपने ये क्यों दे रखी है। तो ये भी एक धोखा होता है, ये पेशेंट के जो विश्वास होता है आयुर्वेद के प्रति उसके साथ भी धोखा है और आयुर्वेद के साथ भी धोखा है। और आप देखोगे कि 98% ऐसे वैद्य बने बैठे हैं जो आयुर्वेद के नाम पे अंग्रेजी दवाएं खिला देते हैं। तो फिर आप बताओ दिल्ली से पेशेंट आता है मेरे पास, अच्छी अच्छी हॉस्पिटल हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, वो मेरे पास आते हैं आयुर्वेद के लिए और मैं उनको ये अंग्रेजी दवाई दे दूंगा तो मुझे नॉलेज थोड़ी ना अंग्रेजी दवाई के बारे में, बस इतना ही पता होता है कि ये साल्ट है बीपी में काम आता है, ये साल्ट आपका खून पतला करता है, पैरासीटामोल हमारे फीवर में काम, यही पता है, एक पीढ़ी का पता है। लेकिन पूरी पीढ़ी का पता नहीं होता ये साल्ट कौन से साल्ट के साथ हमें नुकसान कर सकता है, कितनी मात्रा में ले सकते हैं, ये तो एक MBBS ही डिसाइड करता है, उसको उसकी पूरी नॉलेज होती है। तो हमसे अगर वो अंग्रेजी दवाई ले रहा है तो वो उसके साथ धोखा है ना, वो यहीं अच्छे से डॉक्टर से लेगा ना, वो हमसे अच्छा इलाज करेगा उसका। अगर ये जड़ी बूटी मैं उस डॉक्टर के आगे ले जा करके रख दूंगा MBBS के आगे तो वो नहीं पता पाएगा कि ये जड़ी बूटी किस में रोग में कौन सी देते हैं, क्योंकि उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। इसी प्रकार से उनकी दवाइयों की हमें कोई नॉलेज नहीं है लेकिन हम उसका ही काम हम कर रहे हैं, ये गलत है ना। तो आपको अंग्रेजी अगर ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को मैं बताना चाहूँ, अंग्रेजी लेना तो अच्छी हॉस्पिटल से लो आप, अगर देसी लेना है तो प्योर देसी लो ना, आपका उपचार वैसे ही हो सकता है। सर जी बताएं, मतलब बहुत सारे लोग जैसे ठगी करते हैं जैसे आपने बताया, मतलब लोगों का कहीं ना कहीं फिर आयुर्वेद से विश्वास उठ जाता है। देखो वो मैंने बताया ना आपको कि वो पेशेंट का विश्वास होता है ना आयुर्वेद के प्रति, तो वो ख़त्म करते हैं, दूसरा आयुर्वेद को भी बदनाम कर देते हैं। अब उसने खाई तो है अंग्रेजी दवाइयाँ धोखे से और उसको लग रहा है कि मैंने देसी दवाई खाई है, तो बदनाम कौन हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आयुर्वेद का काम करते मुझे लगभग 16.5-17 साल हो गए,
ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन लाखों की संख्या में लोग मेरे से ठीक होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे पास जो आता है वो ठीक ही हो जाता है, लेकिन हमारी जो कोशिश होती है ना ज़बरदस्त होती है। हमें पता होता है ये पेशेंट सब जगह लूट पीट करके आया है, सब जगह लूट पीट करके फिर हमारे पास आया है। तो अब हम अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो हमारे नुस्खे होते हैं, कंपोजिशन हम तैयार करते हैं आयुर्वेद के, ज़बरदस्त करते हैं। मतलब आपने एक बार पहले आके पूछा था मुझे, जी एक कीड़ा जड़ी भी होती है, आपको पता उसका रेट क्या होता है? वो उसका नाम तो स्टार्ट हो जाता है 2 लाख से, लेकिन अच्छी अगर कीड़ा जड़ी लोगे तो 10 लाख रुपए केजी के हिसाब से मिलती है, पहाड़ों में मिलती है। हम लेकर के आते हैं 10 ग्राम 10,000 रुपए की, लेकिन वो जो ताकत की दवाई हम देते हैं, वीकनेस जिनको होती है उनको हम वो देते हैं। पैरालाइज के पेशेंट हैं, हम इनको जैसे सालम पंजा, सालम मिश्री, देसी अगरकरा, इस टाइप की भी जड़ी बूटियाँ हम ऐड करते हैं। हम केवल उसके कलोट बन रहा है ना, केवल उसी के लिए नहीं दे रहे। हमें पता है कि ये बॉडी की जो एक साइड है काफ़ी दिन से बॉडी से कट है, इसकी मसल्स भी वीक हो चुकी है, तो इनमें भी पावर आए, हम वो भी साथ में देते हैं, ठीक है। और ऑप्शन अगर कोई अगर होता है लकवा का जो पेशेंट है, उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है, आयुर्वेद का, और वो भी आपको अगर कोई अच्छा दे तो। आप बताओ, नाम तो आधुनिक ज़माना है, टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में और अलग अलग लिक्विड के रूप में दवाइयाँ बनाती हैं कंपनियाँ, लेकिन आपने देखा होगा जैसे हमारे जो वैद्य थे पुराने तरह संहिता में भी आपको देखा होगा कि ये जो तस्वीर देख रहे हो, एक ऊँखली मूसली से कूट रहा है दवा, तो हम इसी पैटर्न पर तैयार करते हैं दवा। हम अपनी दवा को कूटते हैं और पाउडर फॉर्म में तैयार करके और फिर वो देते हैं, असली वो होती है। अगर टैबलेट फॉर्म में इसको बना देंगे तो गुणवत्ता इसके कुछ नहीं बचेगी, तो लोग उनका रेट हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, कुछ से कुछ हो जाता है। मेरे पास भी आके पूछते हैं बहुत सारे, फ़ोन पे पूछते हैं कि कितना रुपए लगेगा दवाई पे, मैं कहूँगा कितना रुपए लगेगा कि आपको इतने रुपए में कोई नहीं देगा, चाहे मैं आपको कितने भी लूँ, लेकिन मेरी जो दवा है ना इससे सस्ती आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। मैं सिर्फ निकालता हूँ दाल रोटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे 2-4 आचार्य और भी हैं, बस दाल रोटी निकालता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकालता, ठीक है। और बाकी तो देखो सब अपनी अपनी किस्मत लेकर के आते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ना, किसान अगर कोई फसल उगाता है सरसों की, तो सरसों की वेट करेगा कि सरसों हो, चने का थोड़ी करेगा। तो हम जो काम करते हैं ना, तो हमारी उम्मीद पूरी रहती है कि पेशेंट को फ़ायदा होगा, चाहे कितना भी हो। मैं ये नहीं कहता कि 10 साल पुराना पेशेंट आएगा तो 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर दवाई काम कर गई तो मैं एक बात कहता हूँ, अगर किसी के अंदर उम्मीद जिंदा है ना, परमात्मा उसको कब कहाँ पर साथ दे दे, एक हमारा तो एक बहाना हो जाता है, किसी को पता नहीं। तो सर कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब लागनी हो तो राख की चुटकी ला ली जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही है ना। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के, वहाँ से निराश होके आते हैं वो, और यहाँ करके उनको स्टार्टिंग में आते हैं, लगता नहीं कि ठीक हो जाएंगे, विश्वास नहीं होता उनको, लेकिन जब वो देखते हैं, क्योंकि मेरा एक शुरू से ये रहा जी, देखो मैं किसी के पैसे खर्च करवाए कुछ नहीं, तो कोई पेशेंट आता है ना, मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार सिर्फ 15 दिन की दवाई ले लो, 15 दिन के बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप कुछ नहीं बोलोगे, मेरी जो दवा है ना वो आपके माध्यम से वो बोलेगी। अगर आपको लगे किसी हाँ दम है तो दोबारा मेरे पास आना, अन्यथा मेरे पास नहीं आना। ये समझ लेना, मेहमान आ गए तो उस पर 500-700 रुपये खर्च हो जाएगा, ठीक है। और देखो दवा है जी मेरी, जो कई पेशेंट बार बार पूछते हैं फ़ोन करके, उनके लिए मैं बता देता हूँ, हमारी जो दवा है 100 रुपये स्टार्ट होती है, 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अलग अलग दवाई है हमारे पास, एक प्रकार की दवा नहीं है, आप देखोगे तो 200 प्रकार की दवा, सब के रेट अलग है, ठीक है। आप एक दवा का लेकर के चलोगे 500-700 रुपये, लेकिन अगर किसी को 2 दवा देनी पड़ गई, 3 देने की, 300 वाली दे दी, 700 वाली दे दी, 600 की दे दी, 100 रुपये वाली, सबके रेट अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारी ये मान के चलो और वैद्यों से तो 10 गुना सस्ती पड़ती है, और वैद्य तो हजारों में ठगते हैं, ठगी नहीं है। और जब ये वस्त्र जो पड़ जाता है ना शरीर के ऊपर, तो उसमें आप ठगी तो भूल जाओ, आप हर इंसान को अपना घर का सदस्य मान करके इलाज करते हैं, और यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे आस्था से जुड़ा सवाल है, हमारा आयुर्वेद भी हमारी आस्था से जुड़ा है। तो इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जो है गृहस्थी नहीं हूँ, मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है पैसे की, मुझे दाल रोटी की आवश्यकता है, और वो मुझे दे करके जाते हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि मतलब वो जब बताते हैं मेरे को जी इतना साल पुराना था, इतना फ़ायदा गया, बड़ा सुकून मिलता है, वो पैसे से कभी नहीं मिल सकता। तो हमें तो काम करते बहुत लंबा समय हो गया, और हम जितनी जड़ी बूटियां शायद प्रयोग करते हैं शायद ही कोई करता हुआ, हमारे 500 किलोमीटर में तो हमारे
कितनी दवाइयाँ कब तक नहीं पड़ता, हम जितनी जितनी दवाइयाँ आती हैं उतनी जड़ी बूटियाँ लेकर के आते हैं। मतलब अगर उसके किस्मत में हमसे ठीक होना नहीं लिखा है तो कह नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं निकाल सकता। आचार्य जी एक बड़ी जड़ी बूटी और देखना चाहेंगे। देखो एक चीज़ और बताऊँ आपको, जैसे पैरालाइज का जो पेशेंट होता है ना, मैं थोड़ा हाथ से भी करता हूँ, जैसे उनको पैरालाइज होता है जैसे राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही उनको क्लॉट होता है, तो हम उसी आधार के ऊपर जैसे उंगल से नेप करके मैं हल्की हल्की इससे थेरेपी भी देता हूँ क्लॉट खोलने के लिए। मतलब दवाई के साथ में थेरेपी भी देता हूँ? थेरेपी देता हूँ थोड़ी थोड़ी, इस नस को हम थोड़ी थोड़ी प्रेशर मारते हैं इसके ऊपर, लेकिन उसको ही मारते हैं जिनका ऑपरेशन नहीं कर रखा, ठीक है, तो ये भी थेरेपी मैं देता हूँ। और मतलब निराशा तो बहुत कम मिलेगी लोगों को, मैं तो इतनी कह सकता हूँ। मतलब यहाँ कोई आता है ना तो देखो एक आस्था से जुड़ा है, ये एक बिजनेस टाइप नहीं कर रखा मैंने, एक सेवा के माध्यम से काम करता हूँ, सिर्फ दो ही दिन करता हूँ, शनिवार और इतवार को, बस यही हमारा है। बार बार फ़ोन करते हैं लोग, जी इतना पुराना इतना, मैं उनको सबको कहूँगा अगर आपके अंदर उम्मीद है कि हम ठीक हो सकते हैं, उम्मीद आपके अंदर ज़िंदा है तो ज़रूर आइए, और आपकी उम्मीद मर चुकी है और आपके दिमाग में हम ठीक हो ही नहीं सकते तो आप नहीं कर रहे, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा अगर उनको एक बार, वो कई कहते हैं जी हम ठीक हो जाएंगे, बगैर देखे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं नाड़ी देख करके बता सकता हूँ। अब कहते हैं जी हम वीडियो बना कर भेज दें, अरे वीडियो में कैसे बता पाऊँगा, नाड़ी थोड़ी ना चाहिए, मैं नाड़ी देखता हूँ, नाड़ी में वाइब्रेशन है नहीं है, नाड़ी एक्टिव है नहीं है, तीन नाड़ियाँ होती हैं, कौन सी नाड़ी एक्टिव है कौन सी नहीं है, उससे हमें पता लगता है कि पेशेंट को दवाई कितना परसेंट काम कर सकती है। अगर मैं कहूँ अगर तीनों नाड़ी एक्टिव होंगी तो 80% दवाई काम करेगी, 20% ही फैल हो सकती है, अगर नाड़ी एक्टिव नहीं है तो उल्टा ले लो, 20% ही काम करेंगे 80% नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें मैं बगैर देखे फिर पेशेंट को कैसे बता सकता हूँ। तो जब पेशेंट आता है मैं देखता हूँ, और ये नहीं कि मैं देख नाड़ी देखने का वो पैसा लेता हूँ, नाड़ी देखने का वो पैसा नहीं लेता, मैं पैसा लेता हूँ तो सिर्फ दवाई के लेता हूँ, दवाई के आपके पैसे लगेंगे। अगर आप खाली नाड़ी दिखाते हो और आपकी नाड़ी में लगता है कि नहीं है तो फिर मत लो ना दवाई, मैंने आपसे क्या ले लिया, नाड़ी दिखाओ चले जाओ, आपको लग रहा है कि नाड़ी में एक्टिव नहीं है मत लो दवाई। अगर आपको विश्वास है कि एक बार आचार्य जी कह रहे हैं लेकर के देख लेते, शरीर है ये जी बदल नहीं सकते, ये तो यही रहना है, ठीक है, ये बाइक गाड़ी मोबाइल नहीं है कि बदल लिया हमने, शरीर है इसी को ठीक करना पड़ेगा, तो और 1500 रुपये मेहमान पे खर्च कर देते हैं, फिजूली चीज़ों में खर्च कर देते हैं, अपने शरीर के लिए हमारे पास आते सोचते हैं, कई बार सोच करके दवा लेते हैं, मैं कहते हैं इतना सोचते हैं जो हमारे पास सबसे कीमती चीज़ हमें परमात्मा ने दे रखी है ना उस पे पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उनकी गलती भी नहीं मानता, क्योंकि आपने कहा ना कि ठगी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं ऐसे ऐसे बात बताऊँ, अगर उनके सामने आज 5 जड़ी बूटी रख दो वो नाम नहीं बता पाएंगे, वो नाम नहीं बता पाएंगे बताओ, और हमारी तो आप छोड़िए, मेरे सामने तो आप कोई भी जड़ी बूटी लेके आओगे सुन के बता दूंगा ये कौन सी जड़ी बूटी है, ठीक है, अरे सबको तो नहीं बता पाएंगे कि इनका अंत तो है नहीं, लेकिन ऐसी हजारों जड़ी बूटियों के बारे में पहचान मेरे को है। बाकी वो कहते हैं कि पूर्णता से तो कोई पहुँच नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ी एक विद्या है, तो ये तो नहीं पहुँच सकते, बाकी हम जो जिसमें काम करते हैं ना उन चीज़ों का हमें पूरा उसका ज्ञान रखते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं। बाकी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें मायने रखती हैं, जी इतनी ईमानदारी से दवा मिलती है, दवाई की गुणवत्ता क्या है, इन 2 चीज़ों पे खड़ा हूँ मैं, आधुनिक विज्ञान है, मेरी दवाई कहीं भी चेक करवा लेना कोई किसी प्रकार का मिलावट नहीं मिलेगा, मिलावट करने वाली चीज़ क्या काम करेंगी इसमें, वो तो लेकर के थक लेते हैं लोग जब भी तुम्हारे पास आते हैं, हम तो जड़ी बूटी देंगे वो काम करेगी, ये कोबरा सैंप का जहर है ये केमिकल है ये काम नहीं करेंगे, काम करेगी तो असली जड़ी बूटी करेगी, वो क्या करते हैं जड़ी बूटी थोड़ा आप दवाइयाँ अंग्रेजी दवाइयाँ दे देते हैं, अरे ये तो ले चुका है क्या देना है इसमें, ये तो परेशान होकर के तो आया देश में, आप फिर धोखा कर रहे हैं। आचार्य जी एक बारी जड़ी बूटियाँ देखना चाहेंगे? हाँ जड़ी बूटी देख लो, यहाँ जड़ी बूटी तो यहाँ नहीं है गोदाम में है सारी की सारी, हाँ वो जो हाँ वो जो बना रखा है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, लेकिन आप पूरा ही कभी देखना चाहो तो मेरे गोदाम में आओ जरूर आएंगे, वहाँ पर आपको कम से कम नहीं तो टोटल अगर जड़ी बूटी लेके चलोगे तो 50-60 क्विंटल जड़ी बूटी मिलेंगी मेरे पास आपको, कभी भी आ जाना हाँ जी, और आओ दिखा देता हूँ, ये तो सिर्फ यहाँ पेशेंट आते हैं उनके लिए ही है जो आप पाउडर बना के लेके आते हैं, ये तो अलग अलग है, देखो अलग अलग होती हैं, एक मैं बताऊँ आपको, आप ये नस के लिए, नस नाड़ी नाम है जिनकी नस ब्लॉक हो जाती है, ये लकवे पेशेंट को भी देते हैं, लेकिन एक और है
न्यूरोबटी फोर्टी, फोर्टी का मतलब इसमें हमने 40 जड़ी बूटी ऐड कर रखी है। अच्छा। ये भी नस की है, ये भी नस की है। इनमें फ़र्क ये है कि जो न्यूरोबटी है ये बारीक नस होती है हमारी, उसके ऊपर इसका काम अच्छा होता है, उस पर पकड़ अच्छी होती है, उस कलोट को ख़त्म करने के लिए न्यूरोबटी अच्छा काम करती है। लेकिन कई लोगों को जैसे साइटिका है या और कहीं भी हाथ पैर में नस ब्लॉक है, सुनपन आ गया, उनमें फिर ये नाड़ी वाली काम करती है, ये नस नाड़ी। तो इसमें भी हमने दो बना रखी है, ठीक है जी। बाकी देखो दवाइयाँ तो काफ़ी हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास 70-80% लोग पैरालाइज के आते हैं और 20% है वो अदर, हर कोई जोड़ का दर्द का है, कोई माइग्रेन का हो, पेट से रिलेटेड है, कोई कोई खाया पिया नहीं लगता है, उन टाइप के लोग। जैसे आप जोड़ों के दर्द के लिए लेके चलेंगे तो मैं उनको लिए देता हूँ ये जोड़ ग्रीस, जोड़ ग्रीस, ये जोड़ ग्रीस है, ये आपके ज्वाइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन का काम करते हैं, जो चिकनाई की मात्रा हम देसी भाषा में कहते हैं कि आपके ज्वाइंट्स के अंदर ग्रीस खत्म हो गई, ये ग्रीस का काम करते हैं। इसमें वो जड़ी बूटियाँ ऐड है जो ग्रीस के गुण रखती हैं बनाने की, वो सारी जड़ी बूटियाँ ऐड है इसमें, अश्वगंधा से लेकर के, सतावर से लेकर के, आपके कोंच के बीज भी हैं इसके अंदर, मतलब काफ़ी चीज़ हैं इसके अंदर। ये तो केवल सैंपल है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई पेशेंट पूछ लेता है जी कैसी होते हैं तो उसको दिखा देते हैं, बाकी तो गोदाम तो लेके चलोगे तो वहाँ तो हमारी बोरी की बोरी होती है, इससे काम चलता है कि एक दिन का है ये सारा। मतलब लकवे का 90% तक इलाज है? 90 नहीं कह सकते तो 80% तो कह सकते हैं, हाँ जी। और 20% इसलिए क्योंकि पुराने रोग होते हैं ना उसमें थोड़ा, लेकिन ये चीज़ें निर्भर करते, 80-90% पे आप मत जाओ, आप जाओ नाड़ी के ऊपर। अगर नाड़ी एक्टिव है पेशेंट की तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे खुशी मिलेगी मैं तो ये कह सकता हूँ। और अगर नाड़ी एक्टिव नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर तो 20-15% उम्मीद होती है, वो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि दवाई आप लेना चाहते हो। अगर लेना चाहते हो तो फिर 15 दिन, मैं सभी को वैसे 15 दिन की देता हूँ। 15 दिन की देने से ये फ़ायदा होता है कि एक पेशेंट को पता लग जाता है कि मेरे को दवा कितना काम कर रही है। पेशेंट कहता है कि जी मेरे को तो काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आया, फिर मैं कहता हूँ भैया आप मत छोड़ना इसको, आप निवेदन उनसे मैं यही करता हूँ कि आप तो इसको छोड़ना मत। वो कहते हैं जी कब तक ले, मैं कहता हूँ जब तक इम्प्रूवमेंट चलता रहे तब तक लेते रहो, जिस दिन आपको लगे कि अब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा उस दिन बंद कर दो। वो कहाँ तक भी, 30% पे हो आप, 40 हो गया, 50% हो गए, ठीक 70% तक पहुँच गए, उसके बाद इम्प्रूवमेंट रुक गया, ये बंद कर दो। इम्प्रूवमेंट जहाँ तक चलता रहता है दवाई खाते रहो, क्या दिक्कत है, नुकसान तो है नहीं, आयुर्वेदिक दवाई है और शरीर मैंने पहले का बदल नहीं सकते, इसी को ठीक करना है, फिर जा क्या रहा है, क्या गया, इतनी महंगी दवाई नहीं है, ठीक है। अगर मैं भी उनकी जगह हो जाऊँगा तो मैं भी यही करूँगा, मेरा तो वही शरीर है ना, तो मैं भी यही ऑप्शन है मेरे पास। तो इसमें बस यही है कि अगर आप आयुर्वेद में आते हो तो बिल्कुल सेफ हो, उम्मीद जाता है। एलोपैथिक आपको 30-40% से ज़्यादा ठीक नहीं करती है, 90% लोगों को ठीक नहीं करती है, 30% से लेकर के 40%, 10% ये लोग ऐसे होते हैं जिनको किस्मत अच्छी होती है थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो इस पे आके रुक जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद यहाँ रुकने नहीं देती आपको, वो बाय स्टेप ले चलती रहेगी और आपको मंजिल तक पहुँचाती है। ये एलोपैथी का और आयुर्वेद का फ़र्क है। लेकिन मैंने कहा कि इमरजेंसी कंडीशन होती है, बोल नहीं रहा पेशेंट, बेहोशी में है, खा नहीं रहा, उसको आयुर्वेद में आना उसके लिए ठीक नहीं है, दोनों बातें हैं, ठीक है। और जिसको आयुर्वेद दवाई लेनी हो तो आयुर्वेद ही ले, आयुर्वेद के नाम पे अंग्रेजी ना, ठीक है। और ठगी का और देखो एक आचार्य जी कहते हैं भी कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, तो मतलब हम स्क्रीन पे नंबर भी दे देंगे, एक बार लोकेशन और प्रॉपर बता दीजिए। देखिए लोकेशन तो आप डाल देना, बाकी मैं बता देता हूँ आपका, ये डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में पड़ता है, कुंड, नारनौल और रेवाड़ी के बीच में पड़ेगा कुंड, हरियाणा के अंदर, और रेवाड़ी से लगभग 20 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा कुंड। आकर के आप ITI रोड पूछ लो किसी से भी, ITI रोड पे चलोगे तो आपको पता लग जाएगा श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम से। यहाँ सिर्फ शनिवार और रविवार को ही दवा देता हूँ मैं, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक, बाकी पेशेंट हो जाते हैं ज़्यादा तो देखो 5 बजे बज जाते हैं मेरे, लेकिन 4 बजे तक उनको मान के चलो मिलूंगा, ठीक है। बस ये एड्रेस रहेगा, बाकी नंबर मैं बता देता हूँ, हमारे नंबर रहेंगे 9050552244, यानी 9050552244, ठीक है, ये हमारे नंबर रहेंगे। तो वैसे तो कोई भी आ सकता है, फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ़ोन करने पे हम नहीं बता पाएंगे कि आपको फ़ायदा होगा नहीं, आप नाड़ी के हिसाब से बता पाएंगे, तो नाड़ी दिखा लो आकर के। फ़ोन क्या होता है, मेरे पास इतना स्टाफ तो है नहीं, फ़ोन आते हैं किसी को उठा पाते हैं किसी का नहीं उठा पाते, तो वो भी थोड़े से हो जाते हैं यार फ़ोन ही नहीं उठा रहे, उनको ये पता नहीं, हज़ारों की संख्या फ़ोन आते रहते, किस किस का उठा पाए, किसी का नहीं भी उठाया जाए, किसी का उठा लिया जाए, तो इसलिए आप उसमें उलझ पुलझ के ना रहें। आपको अगर दिखाना है तो मैंने एड्रेस आप अपना डाल देना थोड़ा सा, ठीक है, और शनिवार इतवार को आ जाए, शनिवार इतवार, हाँ जी।
तो देखिए अगर मतलब किसी को भी बिल्कुल जो शनिवार एतवार को आ सकते हैं दिखाने के लिए, हफ्ते में दो ही दिन ओपन रहता है आचार्य जी? दो ही दिन ओपन रहता है? हाँ जी, दो दिन रहेगा। बाकी ये जड़ी बूटियाँ जैसे वो तो बना रखी हमने, लेकिन कई पेशेंट इस टाइप के होते हैं जिनको एक चीज़ कोई एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है कि कोई चीज़ इसमें जैसे अष्टगंध है ये वाली किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा करनी है तो फिर ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी कर देते हैं, ये सिर्फ उसी के लिए है, ठीक है। कई पेशेंट होते हैं उनको अलग से थोड़ा बहुत चाहिए कुछ तो वो दे देते हैं थोड़ा बहुत, बाकी तो मेनली तो हमारी वो है, ठीक है, बाकी यही रहेगा हमारा। तो आपको लोकेशन भी बता गई दी गई है और रेवाड़ी में पड़ता है और ये जड़ी बूटी जो आप देख रहे हो सामने, तो आचार्य जी ये दवाई देते हैं। और जो लकवे का है तो लकवे की कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी पुरानी समस्या हो, क्योंकि देखो लकवा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान परेशान हो जाता है, मतलब खुद अपना काम खुद नहीं दूसरे पर निर्भर हो जाता है। तो जो लोग यहाँ से लेके गए हैं वो भी ज़रूर बताए कि कितना उनको आराम हुआ है, कैसी दवाई है, तो ज़रूर बताए कमेंट बॉक्स में। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा लग सके और यहाँ पर आके दिखा सके। फिर मिलेंगे, जय।